हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिकेश सिन्हा रीजनिंग गुरु। मैं मिकेश सर आज आपके लिए सीरीज को लेकर आया हूं, जहां पर मैं सीरीज के रूल्स को बताऊंगा। क्योंकि देखिए आजकल होता क्या है, जैसे आप रीजनिंग का एग्जाम दीजिए चाहे मैथ का एग्जाम दीजिए, परीक्षाओं में क्या है कि बैंक के सेक्शन में अगर हम लोग देखते हैं तो मैथ में जो है वो आपको सीरीज का प्रश्न आता है, और अगर हम लोग SSC और रेलवे देखें तो वहाँ पर रीजनिंग के सेक्शन में जो है वो सीरीज का प्रश्न आता है। तो उस प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका तो एक ही होता है, इसलिए आज मैं आपको सीरीज के बारे में बता रहा हूँ, जहाँ से आप क्या होगा कि आप बैंक और SSC दोनों के लिए, यानी बैंक के मैथ के लिए और SSC के रेलवे के रीजनिंग के लिए आप सीरीज की तैयारी कर सकते हैं। सबसे बड़ा समस्या ये है कि ये समझ में नहीं आता है कि आखिर ये सीरीज जो है वो किस तरह का सीरीज है, इस सीरीज की पहचान क्या है। तो सबसे पहले हम आपको एक एक करके जो इसके रूल्स है वो रूल समझाएंगे, और रूल के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग सीरीज को पहचानते कैसे हैं। साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ये किस तरह का सीरीज है और इस तरह के सीरीज में हम लोगों को क्या देखना चाहिए जिससे कि हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको आज सीरीज के रूल समझाता हूँ और रूल को देखते जाइएगा, और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपका ये गारंटी होगा कि 5 में से 5 प्रश्न आप जो है सीरीज के बना के आइएगा। ये नहीं है कि हाँ सीरीज में एक क्वेश्चन बना, 2 क्वेश्चन बना या 2 छूट गया, ऐसा नहीं होगा। आप रूल्स को फॉलो करो, पूरे वीडियो को देख के आपका क्या होगा, आपको पूरा रूल समझ में आ जाएगा। क्योंकि काफ़ी रूल है यहाँ पर जिन चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखना होता है, आप उसको ध्यान में रखोगे तो आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न जो है वो पूरा हो जाएगा और आप 5 में 5 मार्क्स इसमें ला सकते हैं। तो आइए हम लोग रूल्स को यहाँ पर देखते हैं, मैं रूल्स को 1 बाय 1 आपको यहाँ पर डील करते चलूँगा। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीरीज देख रहे हैं, सीरीज के लिए सबसे पहला जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशन रूल्स, यानी आपका एक रूल ऐसा होना चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम क्या है, फिक्स्ड एडिशन सीरीज। कैसा सीरीज है, तो ये फिक्स्ड एडिशन सीरीज है। देखो फिक्स्ड एडिशन सीरीज की पहचान ये होती है, हम लोग सबसे पहले इसके पहचान को देखते हैं। ये जैसे मान लेते हैं तो 5 डिजिट आपको दिया हुआ है, आपको ये देखना होगा कि यह जो होगा वो लोअर वैल्यू होगा और जो आखिरी होता है इसका जो मान होता है यानी वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। ये हायर वैल्यू का आपको दिया रहता है, यानी इन दोनों में तुलना करेंगे तो ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। फिर हम लोगों का अगला स्टेप ये होता है कि हम लोग इसके गैप को देखते हैं, तो गैप क्या होना चाहिए, तो गैप जो है वो कम होना चाहिए। जैसे यह गैप कम होता है तो हम लोग समझते हैं कि मे बी यह एक जो है एडिशन सीरीज है। अब उसके बाद क्या होता है कि आप पहले और दूसरे और तीसरे के बीच को अंतर को आप चेक कीजिए, अगर यह कांस्टेंट है यानी वो दोनों स्थिर है तो हम लोग समझते हैं कि जो दिया गया सीरीज है वो एक फिक्स्ड एडिशन सीरीज का एग्जांपल है, वो एक फिक्स्ड एडिशन सीरीज हो सकता है। इसके लिए हम लोग जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो 2 है 5 है 8 है 11 है और ये 14 है। आप देखो ये जो है ये लोअर वैल्यू है और ये जो है इसकी वैल्यू जो है वो हाई है, तो ये लोअर वैल्यू हो गया और ये हायर वैल्यू हो गया। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि ये दोनों के बीच का अंतर ज्यादा नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं इसके बीच का और इसके बीच के अंतर को चेक करते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पर दोनों जो अंतर है वो दोनों कितना है, तो दोनों कॉन्स्टेंट है, 3 ही है। तो अगला जो होगा वो अगला किस तरह का होगा, तो अगला में हम लोग 3 जोड़कर आगे बढ़ा देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्या कि ये फिक्स एडिशन सीरीज है। दूसरा हमारे पास यहाँ पर है, इसी का एक और एक्सटेंशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर एडिशन सीरीज, इंक्रीजिंग ऑर्डर एडिशन सीरीज। किस तरह का सीरीज है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला इसको हिंदी में बोला जाता है। जैसे उसका पहचान तो सेम होता है कि पहला छोटा होना चाहिए, आखिरी बड़ा होना चाहिए, इन दोनों के बीच का जो अंतर है जैसे यहाँ पर समान होता है, यहाँ समान ना होके क्या होता है, ये आपको बढ़ते क्रम में दिखना चाहिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, ये 3 है ये 5 है ये 8 है ये 12 है ये 17 है, अगला क्वेश्चन मार्क है, तो 3 और 17 है, दोनों के बीच का अंतर जो है वो ज्यादा नहीं है, तो इनके और इनके बीच का अंतर देखा मैंने +2, इसके और इसके बीच का अंतर देखा +3, और इसके बीच का अंतर देख रहा है +4, तो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से अगला कितना होगा, 6 होगा, जो यहाँ पर आएगा वो 23 हो जाएगा, हमारा जो आंसर होगा वो 23 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर 2 देखा, एक फिक्स एडिशन सीरीज देखा और दूसरा देखा हम लोगों ने इंक्रीजिंग ऑर्डर एडिशन सीरीज। जिस तरह से ये एडिशन सीरीज होता है उसी तरह से अगला हम लोग देखेंगे सब्सट्रैक्शन सीरीज। तो हम लोग सब्सट्रैक्शन सीरीज देखते हैं, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर
ये additions के जगह पर हम लोग यहाँ पर subtraction लिख देते हैं। अब देखो जैसे हम लोग subtraction series पे चलेंगे तो subtraction series की पहचान ही होती है कि ये जो value है ये value आपका change हो जाता है। पहला क्या होना चाहिए, तो पहला जो है वो higher value होना चाहिए और आखिरी जो है वो क्या होना चाहिए, तो वो लोअर वैल्यू होना चाहिए। साथ साथ यहाँ पर भी कंडीशन ये होता है कि ये जो गैप है वो गैप किस तरह से होना चाहिए, तो वो गैप जो है वो कम का होना चाहिए। अगर ये कम है और फिर हम लोग पहले दूसरे दूसरे और तीसरे के बीच के अंतर को चेक करते हैं, अगर वो अंतर समान है तो जो हम समझते हैं कि जो दिया गया सीरीज है वो किस तरह का सीरीज है, तो वह एक सब्सट्रैक्शन सीरीज हो सकता है। नाउ जैसे हम लोगों के पास एग्जाम्पल है, मान लीजिए जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ये तीन, जैसे आपको अगला निकालने के लिए दिया हो 35 से 31, 31 से 27, 27 से 23, 23 से 19। अभी आप यहाँ पर जो डिफरेंस है वो देखो, ये 35 है ये 19 है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। फिर हम लोग यहाँ पर अंतर चेक करते हैं तो -4, फिर यहाँ पर भी अंतर चेक किया -4, आगे भी वही क्रम होगा, तो हम लोग यहाँ पर -4 आंसर जो है 15 ला सकते हैं। तो हम लोग अरे दो तीन देख लिया, अब हमारा जो चौथा है इसे बोलते हैं हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर एडिशन सीरीज। अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर एडिशन सीरीज ना हो के ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर सब्सट्रैक्शन सीरीज। अब देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर सब्सट्रैक्शन सीरीज का भी पहचान सेम होता है कि पहला बड़ा होना चाहिए और आखिरी हम छोटा होना चाहिए और गैप जो होता है वो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम समझते हैं कि जो दिया गया सीरीज है वो किस तरह का सीरीज है, तो वह एक इंक्रीजिंग ऑर्डर एडिशन सीरीज है। नाउ जैसे हमने यहाँ पर देखा एग्जांपल, अब देखो जैसे मान लो ये 50 है, ये 48, 44, 38, 30 क्वेश्चन हुआ, पहले और आखिरी के बीच का अंतर बहुत अधिक नहीं है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर चेक किया, देखो -2 है, फिर यहाँ पर -4 है, तो जैसे -2 से -4 हुआ तो हम समझ जाएंगे कि अब ये जो अंतर हो रहा है वो 2 के मल्टीपल में बढ़ता जा रहा है, 2 के साथ, तो 2, 4, 6, 8, 10 अगला जो अंतर होगा वो क्या होगा, -10 का होगा, यहाँ पर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर दो में एडिशन और दो में सब्सट्रैक्शन सीरीज हम लोगों ने देखा। आइए इसी को फिर आगे कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करके हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीरीज की ओर चलते हैं। अगला हमारे पास है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन सीरीज। मल्टीप्लिकेशन सीरीज की जो पहचान होती है, पहले हम लोग उसको देखते हैं कैसा मल्टीप्लिकेशन है, तो फिक्स्ड मल्टीप्लिकेशन सीरीज है। जैसे आपको मान लो यहाँ पर दिया होगा, अभी एडिशन में भी पहचान सेम होता है और मल्टीप्लिकेशन की भी पहचान सेम होती है, अंतर सिर्फ ये होता है कि मल्टीप्लिकेशन में जो गैप होता है वो गैप अधिक होना चाहिए। जैसे ये यहाँ पर ये भी लोअर वैल्यू होता है और ये क्या होता है, ये हायर वैल्यू होता है। जहाँ पर हम लोगों ने देखा था गैप कम होना चाहिए, तो यहाँ पर गैप क्या होना चाहिए, गैप अधिक होना चाहिए। ज्यादा गैप होगा क्योंकि आप जानते हैं जब मल्टीप्लाई होता है तो कोई चीज बहुत तेजी से बढ़ता है और जब उसमें हम लोग एडिशन करते हैं तो वो उस तेजी से नहीं बढ़ पाता है जिस तेजी से वो मल्टीप्लीकेशन में बढ़ता है। इसीलिए यहाँ पर यह देखा जाता है कि पहला छोटा हो आखिरी बड़ा हो और गैप क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो दिया गया सीरीज है वो कैसा है, तो एक मल्टीप्लिकेशन सीरीज है। फिक्स सीरीज के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे मान लो 3 है, 9 है, 27 है, 81 है, 243 है, अगला क्वेश्चन मार्क है। अभी जैसे देखो ये 3 है, ये 243 है, यहाँ पर का जो डिफरेंसेस है वो 240 का है, जो कि एक बड़ा डिफरेंस होता है। फिर यहाँ से यहाँ हम लोगों ने देखा मल्टीप्लाई 3 और यहाँ से यहाँ देखा हम लोगों ने फिर मल्टीप्लाई 3, तो हमको ये समझ में आएगा कि देखो जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो एक फिक्स टर्म है, 3 है, 3 है, आगे भी यही चीज कॉमन रहेगा और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 729 आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड फिक्स मल्टीप्लाई सीरीज। नाउ फोर्थ जो हमारा 4 के 5 के बाद जो 6 है, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन सीरीज। किस तरह का सीरीज है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन सीरीज। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन सीरीज का पहचान तो सेम होगा, केवल क्या होता है ये बढ़ते क्रम में होता है। जैसे मान लेते हैं हम लोग, अब देखिए हमने जैसे आपको हर बार कहा कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, मे बी या आपका क्या है मल्टीप्लीकेशन सीरीज हो, मे बी या एडिशन सीरीज हो, ये मे वर्ड हम लोग क्यों यूज करते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए,
उसको मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर आपको दो दिया हुआ है, दो दिया हुआ है, तीन है, फिर छः है, फिर पंद्रह है, फिर पैंतालीस है, अगला आपको निकालना है। अभी आप देखिएगा तो जैसे ये दो है और ये पैंतालीस है, सिंपली इनके बीच में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, 43 का ही गैप है, इससे हम लोग बहुत बड़ा अंतर नहीं लेके समझते हैं, इससे हम लोग छोटा ही अंतर लेते हैं। अब जैसे हम लोग यहाँ पर देखें तो जो अंतर है वो जीरो का है, यहाँ जो अंतर है वो एक का है, यहाँ जो अंतर है वो तीन का है, फिर नौ है और फिर यहाँ पर तीस है। अब ये जो बढ़ने का क्रम है अगर हम लोग देखते हैं तो जीरो से वन, चलो ठीक है, एक के बाद क्या हुआ, तीन हुआ, तीन के बाद नौ हुआ, ये तो मल्टीपल में दिख रहा है बट यहाँ पर ये मल्टीपल में नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो दिया गया सीरीज है वो एक गैप सीरीज नहीं है। तो जब ये गैप सीरीज नहीं है, गैप सीरीज करने का मतलब होता है ये एडिशन सीरीज, जब ये एडिशन सीरीज नहीं है तो अब ये क्या हो सकता है, तो उस स्थिति में हम लोग इसमें फिर यहाँ पर दूसरे लॉजिक को यूज करते हैं जो मल्टीप्लीकेशन बहुत है। जैसे मान लो दो में एक से गुना करेंगे तो दो ही रहेगा, दो में 1.5 से गुना करेंगे तो ये आपको तीन होगा, दो में अगर हम लोग दो से तीन में दो से करेंगे तो छः आ जाएगा, 2.5 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, एंड नाउ 3 से करेंगे तो 45 आएगा। अभी बढ़ने का क्रम 0.5 का है, अगला हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 0.35 से गुना करेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 152.5। इस तरह से हम लोग यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन सीरीज के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए आप जब भी क्वेश्चन बनाइएगा तो मल्टीप्लीकेशन सीरीज में या आपको जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछेगा उसमें एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है जिसमें कहीं ना कहीं 0.5 होता है। जब भी आपको 0.5 दिखेगा तो आप समझना, देखो दो चीज दिखता है, जैसे यहाँ पर आपको 0.5 दिखा, एक क्वेश्चन होगा जिसमें 0.25 आएगा या 0.75 आएगा, तो 0.5 जब आएगा तो कहीं ना कहीं गुना 0.5 का ही होता है, लेकिन अगर 0.75 या 0.25 मिलेगा तो आप ये समझना कि कहीं ना कहीं गुना जो है वो 0.25 से, क्योंकि बिना 0.25 के 0.25 नहीं आएगा और ना ही आपको 0.75 आएगा। इसीलिए हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं क्वेश्चन बनाने के क्रम में कि अगर 0.5 आ रहा है तो कहीं ना कहीं गुना जो हो रहा है वो 0.5 से हो रहा है, और अगर वहाँ पर या तो गुना होता है 0.5 से या वहाँ पर 0.5 जुटता है, और अगर 0.25 अगर आया या कोई भी आगे अंक होगा बाद में 0.25 होगा तो हम लोग यह लेके चलेंगे कि जो गुना होने वाला संख्या है वहाँ पर कहीं ना कहीं 0.25 है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा वो तीसरा जो है, ये हम लोगों ने एडिशन देख लिया, सब्सट्रैक्शन देख लिया और मल्टीप्लिकेशन देख लिया, अब जो आखिरी है उसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन सीरीज, तो जिसका नाम हो गया फिक्स्ड डिवीजन सीरीज। तो फिक्स्ड डिवीजन सीरीज यानी सात नंबर, इसकी जो पहचान होगी पहले वो पहचानेंगे, इसका पहचान ये होता है कि पहला जो होता है वो हायर वैल्यू होता है और आखिरी जो होता है वो लोअर वैल्यू होगा, और जो गैप होगा वो अधिक होगा। कैसा होना चाहिए गैप? गैप अधिक होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी अंक को घटाएंगे तो वो ज़्यादा नहीं घटेगा, लेकिन जब आप उसमें उसी किसी अंक से भागा देंगे तो उसके जो घटने का है वो बहुत ज़्यादा घट जाएगा। जैसे मान लो आपको 100 में 2 माइनस करना है तो आपका 100 में से 2 माइनस करो तो 98 लेगा, लेकिन जब 100 में आप 2 से डिवाइड करोगे तो वो 50 आ जाएगा, यानी वहाँ पर जो अंतर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ जब अंतर आपको बहुत ज़्यादा होगा तब हम लोग समझेंगे कि एक भाग से मिला है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो 512, 256, 128, 64, 32 क्वेश्चन मार्क। देखो 512 से 32 हो गया, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो हम लोग यहाँ पर चेक किए कि भागा दो तो आगे भागा दो करेंगे तो क्या आएगा, 16 आ जाएगा। उसी तरह से हम लोगों के पास एक और हो जाएगा जिसका नाम है इंक्रीजिंग ऑर्डर डिवीजन सीरीज, बढ़ते क्रम में भाग फेंक दिया। फॉर एग्जाम्पल देखिए कहां 72 है कहां 60 है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस डिफरेंस को कम करने के लिए हम लोगों ने यहां पर देखा, देखो पहले भागा दो लगा, इस बार भागा तीन लगा, तो जैसे दो से तीन हुआ तो हम आगे 4, 5 और अगला 6 समझ लेंगे, और यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, 10 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ने यहाँ पर जो बेसिक्स है एडिशन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और सब्सट्रैक्शन का, इन चारों चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए सिंपली अगर हम लोग यह सोचें कि परीक्षा में क्या इतना सिंपल क्वेश्चन आता है, तो नहीं, परीक्षा में जो पूछा जाता है वो एक कॉम्प्लेक्स सीरीज का क्वेश्चन होता है, जहाँ पर हम लोग इतने आसानी से चीज़ों को नहीं सोच सकते।
यानी वहां पर क्या होता है, एक मिक्सचर होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है इन सब सीरीज का। तो अब हम लोग वहां पर पहुंचेंगे जहां पर इनके सीरीज को हम लोग मिक्स करके देखते हैं। तो अब हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे हम लोग कि हम लोगों ने पहले सीखा क्या और अब मिक्स क्या होगा। आइए हम लोग अब आगे देखते हैं कि अब इसमें हम लोग मिक्स क्या कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एडिशन देख लिया, हम लोगों ने यहाँ पर सब्सट्रैक्शन देखा, हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन देखा और हम लोगों ने डिवीजन देखा, ये चार हम लोग देख चुके हैं। देखिए जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो होता है आपका मल्टीप्लिकेशन सीरीज। तो यहाँ पर एक कम्बिनेशन बनता है मल्टीप्लिकेशन सीरीज का। देखो आपको करना क्या है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये तीन तरह का सीरीज बनाना होगा। जैसे देखिए हम लोग कर क्या सकते हैं ये सोचिए। देखिए इसमें भी दो पढ़े थे हम लोग, इसमें भी दो पढ़ा हम लोग, इसमें भी दो पढ़ा और इसमें भी दो पढ़ा। तो पहला आप ये कर सकते हो कि एक बनेगा फिक्स्ड मल्टीप्लिकेशन प्लस फिक्स्ड एडिशन सीरीज, दूसरा जो होता है वो ये होता है फिक्स्ड मल्टीप्लीकेशन प्लस, अब फिक्स की जगह पर आप क्या करो इसको चेंज करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर कर दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर एडिशन सीरीज। तीसरा जो होगा वो ये होगा, अब ये भी चेंज कर दो, पहला ये क्या एक बार मैंने क्या किया इन दोनों को सेम रखा, अगले बार मैंने एक को चेंज किया, एक ये हो सकता है कि इस बार इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन, इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन अब प्लस अगला क्या हो जाएगा फिक्स एडिशन, एडिशन जो कि आपने क्या किया एडिशन हो गया फिक्स एडिशन से। उसी तरह से चौथा ये हो जाएगा कि जैसे आप इस बार ये चेंज किए थे अगला बार दोनों चेंज कर देंगे, यानी एक ये हो सकता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन होगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर एडिशन, यानी यहां पर आपका अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन और एडिशन को ले तो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन लेके हम लोग चार तरह का सीरीज बना सकते हैं। तो जिस तरह से एडिशन और मल्टीप्लीकेशन का चार सीरीज बनेगा उसी तरह से यहां पर आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन सॉरी मल्टीप्लीकेशन और सब्सट्रैक्शन का भी चार सीरीज बना सकते हैं। यानी एक आपका क्या हो जाएगा फिक्स्ड मल्टीप्लीकेशन प्लस फिक्स्ड सब्सट्रैक्शन सीरीज। उसी तरह से छठा हम क्या करेंगे इस बार कर देते हैं, मान लो फिक्स्ड मल्टीप्लीकेशन प्लस इंक्रीजिंग ऑर्डर सब्सट्रैक्शन। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग सातवां क्या हो जाएगा, इस बार इसको चेंज कर दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन अप प्लस फिक्स्ड सब्सट्रैक्शन। एंड देन फिर आठवां जो होगा वो हो जाएगा दोनों आपका बढ़ते क्रम में हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन और प्लस इंक्रीजिंग ऑर्डर सब्सट्रैक्शन। तो देखो ये हम लोग दो मिलाए तो दो मिला के हम लोगों ने यहाँ पर चार तरह के सीरीज को चार चार आठ तरह के सीरीज को देखा। अब जब आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ना यही आपका क्या होता है कॉम्प्लेक्स होता है कि इस तरह के सीरीज को हम लोगों को सोच पाना जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम लोग जो सिंपली सोचते हैं वो सोच जो है हमारा यहाँ से बढ़ता है। ये जितने टाइप्स हम लोग लेके चलते हैं इन सारे टाइप्स को हम लोग यहाँ पर आइडियाज के रूप में लेके चलते हैं कि चलो इतना आइडिया तो हमारे पास आ गया कि अगर एक कोई सीरीज मिलेगा तो वहाँ पर हम लोग इतने तरह से सोच सकते हैं। और जब ये सोच हमारा जब डेवलप हो जाएगा तो जब थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा और कुछ कॉम्प्लेक्स आएगा जो यहाँ से थोड़ा सा अलग भी होगा तो हम उस सोच तक पहुँच सकते हैं जिस सोच को लेकर जो क्वेश्चन बनाने वाले ने वहाँ पर क्वेश्चन को तैयार किया था। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ने आठ और देखा, आठ पहले देख लिया, आठ ये हो जाता है।
अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको आगे हम चाहे तो एक एक करके इसको आपको डील करके भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। देखो जैसे फिक्स मल्टीप्लिकेशन है तो फिक्स एडिशन है तो इसका एक सीरीज कैसे बनेगा, और देन फिर आइए ये एक एक करके हम लोग यहाँ पर आगे चलते चलेंगे। तो फिर आइए हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग इसको पहले हटाते हैं और एक एक सीरीज को करके हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग और कैसे बढ़ा सकते हैं। प्लस अभी एक हमारा ये भी बचा हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन और डिविजन, इन दोनों के कम्बिनेशन को लेकर हम क्या बना सकते हैं। तो इन दोनों के कम्बिनेशन को अगर हम लोग लेते हैं तो हमारे पास ज़्यादा नहीं, यहाँ पर चार तरह से नहीं बनाना है उसे, उसे हम लोग केवल दो तरह से बनाते हैं, तो उसको भी हम लोग देखते हैं कि वो कैसे होता है। चलिए आगे अगला जो है हम लोग देखते हैं, इसे कहते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन सीरीज। देखो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, और एक बन जाएगा आपको इसी का कन्वर्सन, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। देखिए मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन और डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन की पहचान ये होती है कि सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, जैसे मान लो एक सीरीज दिया हुआ है आपको ये देखना होगा, देखो पहले क्या दिया होगा मल्टीप्लीकेशन, फिर क्या दिया होगा डिवीजन, तो इसमें जो पहला डिजिट होता है ये आपका लो वैल्यू का होता है, और जो दूसरा डिजिट होगा वो कैसा होगा, वो हायर वैल्यू होगा, फिर एक छोटा होगा फिर एक बड़ा होगा, इसी तरह का ये सीरीज होता है, यानी लोअर वैल्यू हायर वैल्यू लोअर वैल्यू हायर वैल्यू का एक कॉम्बिनेशन होता है। इसको हम लोग जिगजैग जो है सीरीज भी बोलते हैं, जैसे आप जिगजैग ब्रश यूज करते हैं उसी तरह का ये जिगजैग सीरीज होता है कि एक छोटा एक बड़ा एक छोटा एक बड़ा दिखता है। और डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है कि यही चीज इसका उल्टा होता है, जहां यहाँ पर पहला वैल्यू लोअर होता है यहाँ पर क्या होता है पहला वैल्यू हायर होता है, फिर लोअर वैल्यू फिर आपका हायर वैल्यू होगा फिर लोअर वैल्यू होगा, ये इसी का क्रम जारी रहता है। जैसे लोअर वैल्यू हायर वैल्यू हुआ क्या, मान लो एक वैल्यू दिया हुआ है उसमें अगर हम लोग कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू हाई हो जाएगा, एंड देन जब आप उसको डिवाइड करोगे तो फिर क्या होगा उसका वैल्यू लो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे मान लो आपको दिया हुआ है एक 6 हो गया, अगला हम लोगों ने 18 देखा, फिर 9 फिर 27 फिर आगे हमारा मान लो क्वेश्चन मार्क, जैसे यहाँ से देखें देखो ये कितना हो गया तो गुना 3, फिर यहाँ पर ये कितना हो गया तो भागा 2, फिर यहाँ पर कितना हो गया गुना 3, अगला क्या होगा फिर भागा 2, तो यहाँ पर जो सीरीज बनेगा वो क्या होगा 13.5 हो जाएगा 13.5। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर एक अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखो इसका ही कन्वर्सन होगा, जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, पहला आप ले लीजिए 18, फिर हो जाएगा मान लीजिए आपका 9, फिर हो जाएगा आपका पहले आप यहाँ पर ऐसे बनाओ तो भागा 2 गुना 3 तो 27, फिर मल्टीप्लाई आप मल्टीप्लाई की जगह आप इस बार क्या करना डिवीजन करना, डिवीजन 2 करोगे तो 13.5 होगा, फिर मान लो इस बार 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14.5 आ जाएगा। ये इस तरह से आपका चलता है, एक छोटा एक बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, और यहाँ पे चलेंगे तो बड़ा होगा फिर छोटा होगा फिर बड़ा होगा फिर छोटा होगा फिर बड़ा होगा फिर छोटा होगा, ये एक अल्टरनेट सीरीज के रूप में चलता है जिसे हम लोग कहते हैं डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीरीज। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है, यहाँ पर हम लोगों ने ये सारे देख लिए जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन और सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड था, नेक्स्ट जो होगा वो हम लोगों का कहलाता है स्क्वायर एंड क्यूब सीरीज। तो स्क्वायर और क्यूब सीरीज में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, मान लो जैसे ये क्यूब हो एंड स्क्वायर सीरीज, इसमें हम लोग सिंपली जो है 3-4 अरेंजमेंट इसी तरह से बना लेते हैं, इसको समझते हैं ये कैसे हो सकता है, ये सिंपल होगा। जैसे मान लो स्क्वायर हो या क्यूब हो तो ये क्या होता है, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस नंबर, कंटिन्यूअस नंबर का क्यूब और स्क्वायर सीरीज है। जैसे अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो ये एक होगा 2, 3, 4, ये कंटिन्यूअस नंबर है, चाहे ये बीच से भी हो सकता है जैसे 4, 5, 6, 7 आगे जो भी होगा इसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस नंबर। अब इसी में इसका स्क्वायर हो जाएगा या क्यूब हो जाएगा। दूसरा एक ये हो सकता है कि ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का पहचान कैसे होगा, तो सबसे पहले अगर 2 आ जाए, 2 के बाद 3, यानी 2 का स्क्वायर हो फिर 3 का स्क्वायर हो, या 2 का क्यूब हो 3 का क्यूब हो, उसके बाद फिर 5 आ जाए फिर 7 आ जाए, तो हम लोग समझेंगे कि ये जो दिया गया है ये किस तरह का क्यूब है या किस तरह का स्क्वायर है, तो ये आपका प्राइम नंबर का है। इसके बाद हो जाएगा इवन नंबर। इवन नंबर में जैसे वो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इन सब के स्क्वायर और क्यूब्स देखते जाएंगे आपको। और लास्ट जो हमारा हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर।
इसी तरह से ऑड नंबर का 1, 3, 5, 7, 9 इसका क्रम बढ़ता जाएगा। इस तरह के सीरीज को हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर क्यूब और स्क्वायर सीरीज, इवन नंबर स्क्वायर और क्यूब सीरीज, प्राइम नंबर हो जाएगा, कंटिन्यूअस नंबर हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा आपका इसके बाद। अब यहां तक होने के बाद हम लोग अगर आगे बढ़े तो जो अगला होता है वो हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, जिसको हम लोग इसी में आगे बढ़ेंगे, जहां पर क्यूब और स्क्वायर का कुछ और सीरीज बनेगा। जैसे क्या हो सकता है वो हम लोग यहाँ पर अभी आगे कंटिन्यूएशन में देखेंगे। देखो जैसे इसको बोलता है हम लोग एन स्क्वायर प्लस वन सीरीज, जहां पर क्या है एन जो है वो एक नंबर है और उसी के नंबर में क्या होगा कुछ एडिशन होता जाएगा, वो कैसा है तो वन यानी एक एड होने का सीरीज चलेगा। इस तरह के सीरीज को हम लोग बोलते हैं एन स्क्वायर प्लस वन सीरीज। उसी तरह से एक और बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं एन स्क्वायर माइनस वन सीरीज, फिर एक बन जाएगा आपका एन स्क्वायर प्लस एन सीरीज, और एक चौथा बन जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन सीरीज। यानी जितने नंबर का स्क्वायर होगा वही नंबर उसमें जुटेगा, जितने नंबर का स्क्वायर होगा वही नंबर उसमें घटेगा, या जितने नंबर का स्क्वायर है उसमें एक घट रहा है, या जितने नंबर का स्क्वायर है उसमें एक जुट रहा है। तो इस तरह से स्क्वायर में हम लोग ये चार और बना सकते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपका एक तो यहाँ पर ये वाला जो होता है ना एन स्क्वायर माइनस एन सीरीज, ये वैसे सीरीज के लिए होता है जिसे सीरीज की शुरुआत जीरो से होती है। देखिए सीरीज में जब भी आप जाइएगा कुछ क्वेश्चन ऐसा मिलेगा सीरीज का जहां पर प्रॉब्लम होता है, और वो सीरीज सबसे कठिन होता है जिसकी शुरुआत जो है वो जीरो से शुरू हो। तो यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर हम लोगों को एक बनाना है तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, जैसे मान लो 10 दिया हुआ है, 10 हो गया, 10 के बाद 17 दिया हुआ है, 17 के बाद 26, 26 के बाद 37, 37 के बाद 50। अगला क्वेश्चन मार्क, आप इसको दो तरह से बना सकते हो, चाहो तो ये गैप भी बन जाएगा, जैसे देखो 7 का गैप है, फिर यहाँ पर 9 का गैप है, फिर यहाँ पर आपको 11 का गैप है, यानी जो बढ़ने का क्रम है वो दो दो होके बढ़ता जा रहा है। दूसरा आप ये भी सोच सकते हैं कि देखो ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 6 का स्क्वायर प्लस 1 है, अगला जो है वो 7 का स्क्वायर प्लस 1 है, अगला जो होगा वो क्या हो जाएगा 8 के स्क्वायर प्लस 1 पे जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। पहचान हम लोग इस तरह से करते हैं कि जैसे हम लोग को ये बीच में 26 दिखता है तो 26 से हम लोग ये सोच सकते हैं कि देखो ये 25 के स्क्वायर, और अगर उसमें एक जोड़ दें तो वहां से हम लोग इसको ले सकते हैं। उसी तरह से अगला जो है हमारा एन स्क्वायर माइनस वन सीरीज, तो एन स्क्वायर माइनस वन सीरीज के लिए अगर हम लोग देखें इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये 10 था इस बार 8 कर देते हैं, यहाँ पर 15 हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा, यहाँ पर 35 हो जाएगा, यहाँ पर 48 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मार्क, तो जैसे 8 है ये 15 है ये 24 है, गैप से चाहिए गैप से भी बन जाएगा, या फिर आप ऐसे सोच सकते हो कि देखो 3 का स्क्वायर माइनस 1 है, 4 का स्क्वायर माइनस 1 है, 5 का स्क्वायर माइनस 1 है, आगे बढ़ने बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे देखो 2, 3 देख लिया, एक बार 4 देख लिया, गिनती करो 3, 4, 5, 6, 7, अगला जो होगा वो 8, 8 का स्क्वायर माइनस 1 अगर हम करते हैं तो 64 में से एक चला जाएगा, बचेगा क्या 63। तो ये हो गया आपका किस तरह से एन स्क्वायर माइनस 1 सीरीज। नाउ नेक्स्ट है हमारा क्या एन स्क्वायर प्लस एन सीरीज, यानी जितने नंबर का स्क्वायर होगा वही नंबर उसमें जुट के आएगा। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे देखा जाए अगर हम लोग यहाँ से 10 ले रहे थे, इस बार यहाँ पर 10 न होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 दिख जाता है, 12 दिखा, फिर आपको 20 दिखेगा, 30 दिख जाए, 42 दिख जाए, मान लो अगला क्वेश्चन मार्क है। तो ये गैप से भी आप बना सकते हो, जैसे यहाँ पर 8 का गैप है, फिर 10 का गैप है, फिर 12 का गैप है, अगला गैप जो होगा वो 14 का होगा, या हम इसको ऐसा सोच सकते हैं देखो 3 का स्क्वायर प्लस 3, 4 का स्क्वायर प्लस 4, 5 का स्क्वायर प्लस 5, उसी तरह से 6 का स्क्वायर प्लस 6, तो नेक्स्ट जो होगा वो 7 का स्क्वायर प्लस 7 यानी कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, आंसर जो होगा हमारा 56 हो जाएगा। और नेक्स्ट वन इज क्या एन स्क्वायर माइनस 1 माइनस एन, तो एन स्क्वायर माइनस एन मान लो जैसे हमने आपको कहा कि इसमें हम लोग जीरो से लेके चलते हैं, जैसे मान लो पहला जीरो हुआ, फिर आपका हो जाएगा अगला 2, तो जीरो कैसे होगा तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 2 यानी दो दुनिया 4, 4 में से 2 गया बचा 2, 3 का स्क्वायर माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 गया बचा 6, अगला हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 यानी कितना 16, 16 में से 4 गया बचा 12, और फिर 5 का स्क्वायर माइनस 5 जो होगा 20, नेक्स्ट जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 6 यानी 36 में से 6 चला गया बचा 30। तो इस तरह से आप यहाँ पर एन स्क्वायर प्लस वन सीरीज, एन स्क्वायर माइनस वन सीरीज, एन स्क्वायर प्लस एन सीरीज और एन स्क्वायर माइनस एन सीरीज देखते हैं।
अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पर स्क्वायर सीरीज देखा, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर क्यूब में भी आ सकते हैं और क्यूब को भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे देखो तीन सीरीज चार सीरीज हम लोग अब यहाँ पर और ड्रॉ करेंगे। एक हो जाएगा एन क्यू प्लस वन सीरीज, दूसरा हो जाएगा एन क्यू माइनस वन सीरीज, तीसरा हो जाएगा एन क्यू प्लस एन सीरीज और चौथा हो जाएगा एन क्यू माइनस एन सीरीज। जैसे अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर चलेंगे, तो जैसे यहां से हम लोग चलो मान लो लेके चलते हैं, आपको दिख जाएगा एक, एक नहीं यहां पर दो दिखेगा, दूसरा जो है आपको यहां पर नाइन दिखेगा, तीसरा आपको यहां पर 28 दिखेगा, फिर आपको दिखेगा 65। मान लो नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन मार्क है, तो जैसे जब आपको ये 65 दिखे, 65 4 का स्क्वायर प्लस वन, ठीक है क्यों? अब जैसे देखिए एक का क्यूब प्लस एक, दो का क्यूब प्लस एक, दो का क्यूब आठ, आठ में एक जोड़ेंगे नौ आ जाएगा, तीन का क्यूब 27, 27 में एक जोड़ेंगे 28 हो जाएगा, और चार का क्यूब प्लस एक जो जब दिखेगा तो समझेंगे हम लोग कि यहाँ पर ये 65 आ जाएगा, और नेक्स्ट जो होगा वो मेरा कितना हो जाएगा, पांच का क्यूब प्लस एक, जिसको हम लोग बोलेंगे 126। उसी तरह से एन क्यू माइनस एन सीरीज, इस पर आप स्टार मार्क लगा लीजिए और एक यहाँ स्टार मार्क लगा लीजिए, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर अगर ये चेक करेंगे, फिर जैसे इसकी शुरुआत हम लोग किससे कर सकते हैं, जीरो से कर सकते हैं। तो जैसे जीरो कैसे आया, तो जीरो हो जाएगा कब, जब आपका एन क्यू वन का क्यूब माइनस वन करेंगे तो जीरो आ जाएगा, टू का क्यूब माइनस वन करेंगे तो यहाँ पर सेवन हो जाएगा, उसके बाद आप थ्री पर चलिएगा तो थ्री के लिए हो जाएगा 27 माइनस वन 26, यहाँ पर 63 दिखेगा, यहाँ पर आपका 124 दिखेगा, अगला जो है वो क्वेश्चन मार्क होगा। तो कोई छोटी सी पहचान लगाते हैं, जैसे अगर आपको 27 दिखे, ये 64 की जगह पर ये 63 दिखे, यानी 64 क्या, अगर हम लोग आगे और एक पीछे का अंक देखते हैं तो वहां से हम लोग उसकी पहचान लेते हैं कि या तो ये किसी का स्क्वायर है या वो किसी का क्यूब है, उससे एक ज्यादा है या एक कम है, एक पहचान हो जाता है। जैसे 124 देख रहे हैं तो 124 पर हम लोग सीधा स्ट्राइक कर सकते हैं कि देखो पांच का क्यूब होता है 125, उससे एक कम है। 126 दिखा तो हम लोग ये समझेंगे कि पांच का क्यूब है, उससे एक क्या है, ये अधिक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर ये सात देख रहे हैं, 26 देख रहे हैं, 63 देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, पांच का क्यूब माइनस वन, छह का सॉरी तीन का क्यूब माइनस वन, चार का क्यूब माइनस वन, ये हो गया पांच का क्यूब माइनस वन, अगला जो होगा छह का क्यूब माइनस वन, यानी 215। अब जैसे एन क्यू प्लस एन सीरीज, यानी जितने नंबर का क्यूब होगा उतना ही नंबर उस पर ऐड होगा, तो जैसे मान लो दो दिया हुआ है, अगला जो है वो 10 हो जाएगा, फिर आपको कितना हो जाएगा 30, फिर अगला जो है आपको 68 दिखेगा, फिर आपको 130 दिखेगा, एंड दूसरा जो है 222 दिखेगा। मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क है, तो जब ये सीरीज दिखेगा तो हम क्या सोच सकते हैं, देखो एक का क्यूब प्लस एक, दो का क्यूब प्लस दो, तीन का क्यूब प्लस तीन, चार का क्यूब प्लस चार, पांच का क्यूब प्लस पांच, छह का क्यूब प्लस छह, अगला जो होगा सात का क्यूब प्लस सात, यानी कितना हो जाएगा 343 और सात जोड़ देंगे तो 350 हो जाएगा। अब लास्ट है हमारा यहाँ पर एन क्यू माइनस एन सीरीज, तो एन क्यू माइनस एन सीरीज के लिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं फिर जीरो लेके चलते हैं, यानी जितने नंबर का स्क्वायर है क्यूब है उतना ही नंबर उसमें माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, अगला जो है आपका 24 हो जाएगा, फिर जो है वो 60 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 120 और यहाँ पर हो जाएगा 210 अगला क्वेश्चन मार्क। कैसे, तो देखो एक का क्यूब माइनस एक, दो का क्यूब माइनस दो, तीन का क्यूब माइनस तीन, चार का क्यूब माइनस चार, पांच का क्यूब माइनस पांच, छह का क्यूब माइनस छह, अगला है सात का क्यूब माइनस सात, यानी 343 में से सात घटा दें तो हम लोग के पास जो बचेगा वो कितना बचेगा, तीन उधर का चार 336। तो इस तरह से हम लोग एन क्यू और यानी कि क्यूब का और स्क्वायर का, इन दोनों के कुछ और सीरीज को भी हम लोगों ने देखा, जहां पर चार यहां से बन गया, चार वहां से बन गया। अब इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा और चले, कुछ चीजें और भी है जो हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। अब देखो जैसे कुछ जो है ये नॉर्मल चीजों से हटकर कुछ अलग सीरीज होता है जिसको हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। जैसे क्या होता है ये, देखिए इसकी पहचान ही होती है कि ये जो सीरीज होता है ये काफी छोटा होता है, यानी ये देखने में चार अंक पांच अंक का ही होता है, इस तरह से ये ज्यादा नहीं होगा।
तो पहले ये देखेंगे प्लस, इनमें गैप यानी आप जोड़ घटाओ गुणा भागा कुछ भी करके देखिएगा सिंपली, तो वो आपको उस तरह से बढ़ते घटते क्रम में नहीं दिखेगा। तो हमारा ये सीरीज है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं एक्टिव सीरीज ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर, एक्टिव सीरीज ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर, यानी जो आपका संख्या है उस संख्या के अंकों की सक्रिय श्रृंखला ऐसे बोला जाता है, यानी जो संख्या दिया गया है उस संख्या का ये एक एक्टिव सीरीज रहता है। जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर आपको दिया हो पहला 77, 49, 36, 18, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मार्क है, तो पहला पहचान ये होगा कि इसमें ज्यादा नहीं है, आपको सिर्फ चार अंक दिया गया, तो चार अंक दिया गया। अब आप देखो गैप पे चलोगे तो यहाँ पर जो गैप है ये 28 का है, अगला जो गैप है वो 13 का है, और फिर अगला जो गैप है वो 18 का है, अगला जो है वो आप क्या होगा ये फाइंड नहीं कर सकते। जैसे अगर हम लोग यहाँ देखते हैं 28 से ये 13 और 15 घटा, इस बार जो है ये 5 बढ़ा, नेक्स्ट सीरीज आप नहीं निकाल सकते कि अगला सीरीज क्या होगा। तो आखिर ये सीरीज बनेगा कैसे, इस सीरीज को हम लोग आगे कंटिन्यू कैसे करेंगे, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एक्टिव सीरीज ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर, कैसा है तो डिजिट्स जो नंबर है उस नंबर के डिजिट का ये एक्टिव सीरीज है। अब जैसे देखो मान लो ये आपका नंबर है 77, इसको ही एक्टिव करना, तो आप ये देख सकते हो कि 7 × 7 अगर करोगे तो जो अगला होगा वो आपको 49 मिल जाएगा। उसी तरह से अगर आप 4 × 9 करोगे तो आपको 36 मिल जाएगा, 3 × 6 करोगे तो 18 मिल जाएगा, एंड नाउ 1 × 8 करोगे तो अगला जो होगा वो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एक्टिव सीरीज ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर। इसका एक सीरीज और होता है जो आगे वो सेल्फ में ही 1 या 2 करके आगे खत्म हो जाते हैं। जैसे ये क्या है, इसमें एक कंटिन्यूटी बना हुआ है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 होता है। एक ऐसा भी सीरीज होता है जिसमें 1 से 2 पे जाता है वो खत्म हो जाता है, फिर 3, 4 अपने में खत्म हो जाएगा, 5, 6 अपने में खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 56, यहाँ पर दे देते हैं 30, फिर यहाँ पर दे देते हैं 42, अगला दे देते हैं 08, और नेक्स्ट हम आपको 18 कर देते हैं 26, और नेक्स्ट हम आपको निकालने दे देते हैं। गैप पे जाएगा, गैप पे ये नहीं हुआ, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं घट रहा फिर बढ़ रहा फिर बहुत ज्यादा घट रहा फिर बढ़ रहा, अंतर से आपका ये बनेगा नहीं। आप ऐसे सोचिए कि देखो 5 × 6 करेंगे तो ये 30 मिल जाएगा, अब इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग हो गया। 4 × 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 08 मिल जाएगा, इसका कहानी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 2 × 6 करोगे तो अगला जो होगा वो 12 हो जाएगा, बस यही आपका एक जो है कंटिन्यूटी होता है, दो दो का जोड़ा बनता जाता है वो बनता जाएगा खत्म होता जाएगा। एक ये होता है जिसमें हम लोग इस तरह से लेके चलते हैं, जैसे मान लो ये 5 है, 35 है, 7 है, 63 है, 9 है, 99 है, अगला आपका क्वेश्चन मार्क। आप यहाँ से देख सकते हैं कि देखो इन दोनों का जो मल्टीपल है वो बीच में दिया हुआ है, यानी 5 × 7 करेंगे तो 35 हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा इसको चेंज करना होगा। अगला यहाँ पर आएगा 63 और 9, यानी 9 और 67 को गुना करोगे तो क्या मिलेगा 63 मिलेगा, उसी तरह से यहाँ पे 99 होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा, अगला कितना हो जाएगा अगर हम यहाँ पे 11 रख दें तो इन दोनों का जो मल्टीपल है वो कितना हो जाएगा 99। एक चीज और यहाँ पर होगा, देखो 3 × 2 = 5, 5 से 2 = 7, 7 × 2 = 9, 9 × 2 = 11, और बीच का नंबर कैसे आ रहा है तो इन दोनों का मल्टीपल बीच में, इन दोनों का मल्टीपल बीच में, और इन दोनों का मल्टीपल बीच में। इस तरह से हम लोग जो सीरीज है उस सीरीज के सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। दो और है जो हम लोग अभी यहाँ पर लास्ट देख लेंगे, जैसे आपका ये हो गया एक्टिव सीरीज ऑफ नंबर डिजिट्स ऑफ नंबर, इसके बाद दो सीरीज और हमारे पास है जिसका हम लोग बेसिक्स लेके चलते हैं। परीक्षा में इस तरह का प्रश्न जो है काफी पूछा जाता है, जिसमें एक को हम लोगों ने नाम दिया जिसे कहते हैं हम लोग स्क्वायर एडिशन सीरीज। देखो स्क्वायर एडिशन सीरीज का जो पहचान होता है कि यहाँ पे जो गैप आएगा वो गैप में जो नंबर होगा वो किसी का स्क्वायर होगा, दैट इज कॉल्ड क्या होगा स्क्वायर एडिशन सीरीज। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर 2 दिया हुआ है, अगला आपको 6 दिया हुआ है, फिर आपको 15 दिया हुआ है, 15 के बाद मान लो यहाँ पर 31 दिया हुआ है, फिर आपको 56 दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको फाइंड करना है। आप चाहिए तो इसको गैप से ही बना सकते हैं, देखिए गैप पे ही आपको देखना होगा कि देखो यहाँ पर कितना का अंतर है 4 का, देखो यहाँ पर कितना का अंतर है 9 का। जैसे ये 4 और 9 आएगा तो आपको यहाँ पर समझ लेना होगा कि 4 जो है वो किसी संख्या का स्क्वायर है, 9 जो है वो भी किसी संख्या का स्क्वायर है, इसका मतलब जो बढ़ने वाला क्रम है वो कैसा है। देखो ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है,
अगला यहाँ पर देख लेते हैं, एक और तो 16 है यानी 4 का स्क्वायर है, यानी है लगातार संख्याओं का स्क्वायर है। आप ऐसे गिनो 2, 3, 4, 5, 6, नेक्स्ट जो होगा वो 6 का स्क्वायर यानी यहाँ पर जुटेगा कितना 36, तो आपका आंसर जो होगा वो 92 हो जाएगा। इसको करते हैं हम लोग स्क्वायर एडिशन सीरीज। और एक लास्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूब एडिशन सीरीज, यानी जो एडिशन होगा वो कैसा होगा, तो वो किसी के क्यूब का होगा। जैसे हम लोग यहाँ से देख के चलते हैं, मान लीजिए 1 हुआ, 2 हुआ, 10 हुआ, 37 हुआ, 101, 226। अगला क्वेश्चन मार, तो आप अगर एक चीज ये देखोगे कि देखो पहला तो जो है 1 है और आखिरी जो 226 है, ये बहुत बड़ा सीरीज है, यानी गैप जो है वो बहुत ज्यादा का है, 225 का है, तो क्या ये मल्टीपल सीरीज है? नहीं, क्योंकि मल्टीपल सीरीज में कहीं पर भी 37 नहीं आता किसी के भी मल्टीपल में, और ना ही किसी के मल्टीपल में 101 आता है। तो यह अगर है नहीं, तो आप पहला काम करो गैप निकालो। जैसे आपने यहाँ पे 1 निकाला, यहाँ पर 8 दिखा और यहाँ पर आपको 27 दिखेगा। जैसे ही आपको 1, 8 और 27 दिखेगा, आपको ये स्ट्राइक होना चाहिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। अगला देखो 64, 5 और अगला फिर 6, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगला यहाँ पर आपको क्या करना है, 216 जोड़ देना, आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 442 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जितने भी सीरीज के रूल्स हैं उन सारे रूल्स को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि, और अगर आप इस रूल्स को ध्यान में रखेंगे, तो मैंने जैसे आपको शुरू में कहा था कि आप जो सीरीज के क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को आप बिना किसी दिक्कत के बना सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ जितने और बच्चे भी हैं जो इस रूल से अनभिज्ञ है, जो इस रूल को नहीं जानते वो इसको सीख सकेंगे। मैं मिकेश सर आपसे फिर मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, जो होगा सीरीज पर ही और सीरीज के क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलेंगे, जहां पर हम लोग इसके क्वेश्चंस को किस तरह से वहां पर कौन सा टेक्निक को यूज करेंगे, इन सारे रूल्स को जो हम लोगों ने अभी पढ़ा उनको फॉलो करते हुए मैं आपसे फिर मिलता हूँ।